16 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांगजनों ने आज मुख्यमंत्री आवास कूच किया और ऐसे में पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर हाथी बड़कला चौकी के पास दिव्यांगजनों को रोका। दिव्यांगजनों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तस्वीर आप देख सकते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांगजनों का प्रदर्शन देखने को मिला देहरादून में। अपनी मांगों को लेकर दिव्यांगजनों ने प्रदर्शन किया। 16 सूत्रीय मांग है और उस मांग को लेकर दिव्यांगजन मुख्यमंत्री आवास के लिए निकले, लेकिन हाथी बड़कला चौकी के पास बैरिकेड कर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लेकिन उन सबके बावजूद वो वहीं पर धरने पर बैठे और प्रदर्शन करते दिखाई दिए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। दिव्यांग दिवस है और 16 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं, वार्ता भी हो चुकी है सभी अधिकारियों से। आज जब देखा हमने कि कुछ नहीं हो रहा है तो हमने दिव्यांग दिवस पे काला दिवस मनाने का सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है। मुद्दा है पेंशन, आपका रोजगार, शिक्षा, कोई भी जो मुद्दे हैं हमारे, उस पर सरकार ने अब तक किसी भी दिव्यांग को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ पेंशन से अलावा, वो भी 4 महीने में 6 महीने में मिलती है। उस 1200 रुपये में क्या ये लोग अपना परिवार पाल लेंगे? हम यहाँ पे आज तब तक नहीं हटेंगे कि आज दिव्यांग दिवस है जब तक मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलता है। आज दिन है हमारा और आज हम ये लेके रहेंगे, क्योंकि हम बार बार नहीं सड़कों पे ये धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं समाधान। अब तो सरकार भी जाने वाली, 13 महीने कुल बचे हैं।